मुठभेड़ में गौ हत्या का वांछित आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। देर रात मुठभेड़ में टीम ने गौ हत्या के एक आरोपी को दबोच लिया। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले कि श्रावस्ती जनपद में अपराधियों से निपटने के लिए एसपी प्राची सिंह की ओर से ऑपरेशन धरपकड़ चलाया जा रहा है। गुरुवार की रात ऑपरेशन के तहत गौ हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच व पुलिस की संयुक्त टीम पर अपराधियों ने फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। 14 मार्च की रात सिरसिया थाना क्षेत्र के हेमपुर बड़रावा गांव के पास औरा इमली जंगल में कुछ लोगों की ओर से गौ हत्या की गई थी। ग्रामीणों ने मौके से एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जबकि एक और आरोपी को पुलिस ने 15 मार्च को गिरफ्तार करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। वही वारदात में शामिल दो आरोपी सलीम उर्फ मटरू पुत्र जाहिद उर्फ आंधी निवासी शाहपुर पूरे शिवदीन व एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी प्राची सिंह ने दो टीमें गठित की थी। गुरुवार की रात सिरसिया पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम क्षेत्र में आरोपियों के धरपकड़ को लेकर योजना बना रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित दोनों आरोपी फिर से बिल्ली बिसंबरपुर जंगल में गौ हत्या करने वाले हैं। सूचना मिलते ही टीम ने एसपी प्राची सिंह के निर्देश पर मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर गाड़ाबंदी कर दी, जहां से दो व्यक्ति गाय को लेकर आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में आरोपी सलीम उर्फ मटरू को गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि साथ में मौजूद भूरे भागने में सफल रहा। मुठभेड़ में गोली सलीम के दाहिने पैर में जा लगी थी, जिससे वो घायल होकर गिर गया था। इसके बाद टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए सीएससी सिरसिया में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर कर दिया गया। आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा कारतूस बांका छुरा रस्सी आदि बरामद कर जब्त किया गया। वही गिरफ्तारी करने वाली टीम में स्वाट टीम प्रभारी निर्भय नारायण सिंह, एसआई राणा विशाल सिंह, आरक्षी राकेश अभिषेक, आलोक सिंह, नवनीत सिंह, सर्विलांस आदि लोग शामिल रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।